हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत है। सबको राम राम। और अब मैं करूँगी बफेलो मिल्किंग, क्योंकि दूध निकालूँगी और अब पहले पिलाऊँगी पानी और फिर निकालूँगी दूध। अगर किसी पशु की फेंट कम आए तो वो फेंट कम आने के कारण है कि भी वो मतलब किसी के चिंचड़ लग जाते हैं और कोई गोइड लग जाता है, इसी भी वजह से वो इसके फेवर हो जाता है। तो फेवर की वजह से ना तो पशु के फेंट कम आने लग जाते हैं। और शाम के टाइम अगर पशु को 1 किलो मतलब तेल मतलब चराई करने के बाद पानी पिलाने के बाद शाम के टाइम 1 किलो तेल खिलाते तो अनिश्चित मतलब फेंट बहुत एकदम सही आने लग जाएगी दूध के अंदर। तो देसी नुस्खा है दूध बढ़ाने का, मतलब फेंट बढ़ाने का आरामदायक हो जाता है। तो आप ऐसे देसी नुस्खों के अनुसार दूध के फेंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा खड़े बंदोले से या मतलब चने से इससे भी फेंट की मात्रा ज़्यादा आती है। तो ये तेल की देने से ज़्यादा बढ़िया फेंट आएगी। तो शाम की टाइम चराई के बाद तेल देने से अच्छी फेंट की मात्रा आएगी।